मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं अपना फुल रूटीन दिखाने वाली हूँ और अभी मैं 7 बजे सो के उठ गई हूँ और यहाँ पर कोई पढ़ाई कर रहा है, किसी का एग्ज़ाम है तो ये उठ के पढ़ रहे हैं। और ये इनको देखिए, ये 7 बजे उठ के 6 बजे उठ के बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं लेना देना है, कुछ स्कूल नहीं, जब स्कूल जाना होगा तब नहीं उठोगे, है ना। तो अभी तो पूरा ड्राइंग रूम ऐसे फैला रहता है, ये सब कॉपी बुक्स नोटबुक्स। तो मैं पानी पी चुकी हूँ 1 लीटर, और जो मैंने मेथी का बोला था तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं उसको लेती हूँ मॉर्निंग। ये मैंने रात में भिगो दी थी आधा चम्मच पानी में, तो इसको भी मैं इसका पानी निकाल लूँगी और उसको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करूँगी और फिर इसको पी लूँगी। देन ये जो मेथी है ना, इसको मैं पूरा चबा कर खाऊँगी। तो चलिए मैं ये करती हूँ। भैया उठ के आ चुके हैं अपनी पढ़ाई छोड़कर विवान को लेने गोदी में। पहले गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ऐसे करो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये वही भाई वाला रूम है और वो टेलर स्विफ्ट जो है मैंने ही उसको दी थी पूरा निकलवा के और बनवा के, वो उसकी फेवरेट है। और ये सारा सामान है उसका, अभी सब पूरा पैक करके रख के गया है, अलमारी के अंदर भी कुछ है। तो अभी मूवर्स एंड पैकर्स को जब वो बोलेगा तो वो ये लेके जाएंगे। और यहाँ पे इनकी शादी चल रही है, लक्ष्य स्कूल के लिए तैयार होंगे, तो ये भी तैयार होंगे बट वो पहले जाता है और ये बाद में, क्योंकि इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसका फुल टाइम स्कूल चल रहा है और ये तो बस 2 घंटे के लिए जाता है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ एलोवेरा लगा के, स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है और ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। और जब मैंने 1-2 दिन जब लगाया था, मैंने तो बताया भी था, अगर आप में से कोई यूज़ कर रहा हो तो बहुत ही स्किन जो है पहले से काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अभी मैं बैठी हूँ, ये
स्टील का स्ट्रॉ है और इसमें गर्म पानी है और उसमें मैंने एप्पल साइडर विनेगर डाला है। एप्पल साइडर विनेगर मैंने बहुत पहले ही मैं पीती थी, जब मैं जिम जाती थी तब ग्रीन टी के साथ ऐड करके और हनी के साथ ऐड करके पीती थी, तो फिर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मुझे गले में इन्फेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे वो पिया नहीं जा रहा था तो मैंने बंद कर दिया था। और अभी मैंने वापस से स्टार्ट किया है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि लीवर के लिए हमें खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, तो जितना अगर आपके दांत में प्रॉब्लम है आप नहीं खा सकते हो तो आप उसको निगलो, तो कोशिश करती हूँ मैं ये ऐसा करने की। तो एप्पल साइडर विनेगर मैंने स्टार्ट किया क्योंकि ये अच्छा होता है, काफ़ी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसको मैं इसको स्ट्रॉ के साथ इसलिए पी रही हूँ क्योंकि ये दांतों में नुकसान करता है, ये अगर आपके दांतों पे लग गया तो वीक हो जाएंगे, तो इसलिए डायरेक्ट मैं इसको सिप कर लेती हूँ। और ये देखिए पेंटिंग जो कि आरुष ने तोड़ दी है, ये पूरा कांच लटका हुआ है और बहुत बवाल हुआ था जिस दिन ये पता चला था वो डंडी है बहुत ज़्यादा, सब तोड़ता फोड़ता रहता है पूरे घर में। तो ये इधर सब बुक्स रखी हुई हैं, पूरा मैंने डंबल्स रख दिए कल क्योंकि मैंने एक दो एक्सरसाइज स्टार्ट करी है। और सारी वॉल पे देखिए सब स्कीम और वो सिलेबस वगैरह सब लगा हुआ है। तो भाई अभी मैं इसको पीती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। मौली अभी सो रही है और मौली को मैं 8 बजे उठाती हूँ क्योंकि 11 बजे से उसका एग्ज़ाम है, तो 8 बजे उठा, वैसे वो उठती भी नहीं है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उठाने की। और ये जा रहा है आरुष का ब्रेकफास्ट क्योंकि लंच लेके नहीं जाता है वो, तो इसलिए अभी दूध पी चुका है मॉर्निंग में, हटाओ, तो मैं इसको ये दे रही हूँ और जा रही हूँ अब मौली को उठाने। मौली उठो, गुड मॉर्निंग मौली, मौली मौली उठ जाओ, उठो, देखो इधर देखो, गुड मॉर्निंग देखो, तो मम्मा को देखो इधर एक बार देख लो प्लीज, प्लीज देख लो मौली, प्लीज देख लो। ओह अरे मौली हेयर पे कुछ लगा हुआ है, देखो 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 जिया। देखो चोटी नहीं बनवाई, पूरे बाल फैला के सो रही है। मौली 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 मौली, देखो तुमको कौन देख रहा है, देखो आईज ओपन करो मौली, अभी मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, ऑलमोस्ट 11 बजने वाला है और 11 बजे से मौली का स्टार्ट होता है एग्ज़ाम और 11:20 पे आरुष का छुट्टी हो जाती है, तो मैं इसको एग्ज़ाम करते ही छोड़ के मैं भाग के जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ। 5 मिनट्स लगता है, 5 to 6 मिनट्स 7 मिनट्स, तो मैं जल्दी से भाग के उसको लेके आती हूँ और फिर उसको जल्दी से छोड़ के और वापस से इसका एग्ज़ाम कराने में जुटती हूँ। और फ़िलहाल यही रूटीन है इस टाइम का मेरा, और अभी तो इसका होने जा रहा है और ये मैडम अगेन बीमार पड़ गई हैं, इन्होंने सब सत्यानाश कर दिया है, इन्होंने क्या कर दिया है, खैर लक्ष्य स्कूल जाता है तो वो जो है इन्फेक्शन लेके आया घर पे, मतलब अब वो भी बेचारा क्या करे, स्कूल में किसी बच्चे को है तो उसको भी पकड़ेगा ही, और उससे घर में अभी बच्चों को हो रहा है, इनको मैडम को हो गया है, तो इनको मैंने मेडिसिन देना स्टार्ट कर दिया है। और अगर इन केस आज ये ठीक नहीं रही तो फिर कल मुझे इसको डॉक्टर को हर हालत में दिखाना ही पड़ेगा, तो फ़िलहाल बस अभी यही है, मैं इनका एग्ज़ाम कराऊंगी, उसके बाद कुछ मेडिसिन लेने निकलना है, रुचि के साथ निकलूँगी, और विमान नहा के आया है, रो रहा है। तो अभी इवनिंग का टाइम है और मैं जो है डेली ही पार्क आती हूँ, मैंने बताया भी था कि वर्कआउट बहुत मस्त है मेरे लिए क्योंकि
जो भी डिप्रेशन है मेरा वो इसी से ही जाता है, और अगर मैं नहीं आती एक भी दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है। और आज है 10 मार्च और 10 मार्च ही वो मनहूस डेट है जिस दिन मेरी शादी हुई थी। और वाकई में आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मनहूस है मेरे लिए, क्योंकि अभी बस मैं एक्सरसाइज ही कर रही थी कि रुचि की कॉल आई और उसने बताया कि आरुष को बंदर ने काट लिया है, तो अभी मैं जा रही हूँ और उसको इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, तो मैं घर जा कर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये और ये जीन्स के ऊपर से इतना काट लिया। बढ़िया, ठीक है, अब तुम भी बंदर बन जाओगे। बंदर की तरह उछलना, मैं बोलती हूँ ना इसीलिए पढ़ाई करो। बंदर बन जाते हैं, जब बंदर काटता है तो बंदर ही बन जाते हैं। ऐसे रात में देखना, सोते सोते उठोगे और भाग जाओगे। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, रात में मैं सो रही होंगी और तुम बगल से उठोगे, खक खक करके भाग जाओगे बाहर, पूंछ भी निकल आएगी देखना। निकलेगी पूंछ तुम्हारी। चलो फिर इंजेक्शन लगवाने चलो। कमर कमर में लगेगा ना? हाँ तो घूमो ना। नहीं बस सीधे बैठे रहो। 10 ईयर्स। तो आरुष को ये पहला इंजेक्शन 10 मार्च को लग गया था और 4 और लगने हैं, मतलब कि टोटल 5 इंजेक्शन लगने हैं। तो एक लग गया है, 4 और लगेंगे अब, और वो पूरा चार्ट बना के दिया है डॉक्टर ने। तो इसलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है इस दिन, अभी आगे मैं कुछ भी क्या दिखाऊँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।